हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, पहला आज नीलानी जी की पिक्चर आई है, नाम है अनारी इज बैक। और हमारे साथ में हमारे बॉलीवुड प्रेमी के सेकंड इडियट विघ्नेश एंड मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब। कितने बड़े अनारी हो आप दोनों, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले। ओके सर, देखो अभी अनारी जब भी हम लोग याद करते हैं तो हमें पुरानी पिक्चर की याद आती है। अनारी जो 1993 में आई थी, वेंकटेश साहब, करिश्मा कपूर जी और गुलशन ग्रोवर भी थे। एंड उसके बाद भी अनारी नंबर वन आई। तो हमें जब इसकी अनाउंसमेंट आई थी, अनारी इज़ बैक, अरे एकदम ऊपर डाल दिया देखो ना। तो हमें कुछ ऐसे लगा ऐसे कुछ बनाएंगे या स्पिन ऑफ रहेंगे, लेकिन ये तो कंप्लीट नई कहानी है। अभी पिक्चर के रिव्यू देने से पहले मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें जितने भी कलाकार है हमारे न्यू कमर्स, नवाब खान एंड मिशिका, वो न्यू कमर्स है। उसके अलावा हमारे मिथुन दा एंड अनिता राज जी है, मनोज जोशी साहब है एंड शक्ति कपूर। यस, सबका काम अच्छा है। शक्ति कपूर का थोड़ा मुझे लगा वो थोड़ा सा ओवर कर दिया, वो जैसे पान खा के बात करते हैं ना वैसा कर दिया। मैं तो बोलना चाहता हूँ अगर ओरिजिनल साउंड रखते थे ना उनका तो अच्छा रहता था, लेकिन उसके अलावा सभी का काम अच्छा है। अभी इसका प्लॉट की अगर बात करूँ तो ये लव स्टोरी बताइए। अभी लव स्टोरी एज इन मुझे क्या अच्छा लगा कि एक किरायादार अपने कमरे में रहने वाले पेइंग गेस्ट को अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं, तो वो चीज़ देखने को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मिथुन साहब का काम बहुत ही अच्छा रहा है। अब्बू जान उनका मुस्लिम का रोल किया, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है। वो जब भी स्क्रीन में आते हैं ना, आपको कभी बोर नहीं करेंगे, कोई शक नहीं। तो इसके अलावा हीरो का काम अच्छा है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हीरो जो है ना अफगानिस्तान में से आता है, वो थोड़ा अनाथ रहता है, लेकिन मिथुन साहब उनका जो कैरेक्टर है उनको अपने घर में रहने देते हैं, किराएदार किराए नहीं लेती है, हमेशा वो थाने देते रहते हैं, लेकिन एकदम उनको बेटे जैसा मानते हैं। आगे जाके उनको मतलब किसी लड़की से प्यार हो जाता है, वो लड़की प्यार हो जाता है, लेकिन मिशिका टैरी बहुत अमीर घर वाली एंड उनके मम्मी जी हमारे अनिता राज जी। अभी पिक्चर में हीरो है तो विलेन, कोई तो विलेन होना ही चाहिए, तो ऑब्वियसली वही सब चीज़ें कि वो नहीं चाहती है कि किसी गरीब के साथ शादी हो जाए, तो कुछ ऐसा चाल बिछाती है, तो वही सब स्टोरी के रिलेटेड है। ऐसी कहानी है मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसी कहानी तो बहुत देखी है हमने, थोड़ा आउटडेटेड लगा, लेकिन ठीक है, वन टाइम आप देख सकते हो, एक टाइम आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आउटडेटेड है, देख सकते हो, अच्छी लग रहे हैं। बाकी के जो मिथुन दा की पूरी मिथुन दा के यस एक्चुअली सेकंड एडिट विंग में आता हूँ। चलिए स्ट्रगलर के पास क्या बोलेंगे, हमारे मुंबई का सबसे बड़ा अनारी, अब तो ऐसा बोलना पड़ेगा। ओह माय गॉड, कैसे पहला सर, मतलब नवाब खान को इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंस करे आपने, और नवाब सर ने भी अच्छा खासा यहाँ पे संभाले, जैसा नमाशी ने अपनी फर्स्ट फिल्म में संभाला था वैसा इन्होंने भी अपना काम अच्छा खासा संभाले। बट अभी वो अफगानिस्तान के, तो मीन्स हिंदी में थोड़ा इम्प्रूव और अच्छा, तो डायलॉग डिलीवरी थोड़ा ज़रा हो रही थी उनसे, थोड़ा ज़रा कट जा रहा था इधर उधर, लेकिन परफेक्ट था सब कुछ, जो इमोशनल था और एक एंग्री मोमेंट था। बट एक चीज़ में मैं बहुत नाराज़ हुआ कि नवाब खान और उनको जो ऐसा शर्टलेस जो दिखाया है उसके अंदर, और वो मतलब कैसे लोगों से मार खा रहे हो पर्स लेके जब भाग रहे, अरे उनको दो लाफे तो देना चाहिए, मतलब एक एक्शन तो होना चाहिए। मतलब हीरो अगर किसी ऐसे लोगों से मार खाएगा फिर मज़ा नहीं आता ना वो चीज़ देखने में। रही बात मिशिका मैम की, तो मैंने उनको रंगीला राजा में देखा था, क्या रंगीला जो टाइम था वो उस वक्त में, यहाँ पे भी वो यस चीची सर खुशी खुशी अरे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब हीरोइन फिल्म्स की हट के वो ज्यादा हीरोइन मटेरियल ज्यादा लग रही थी वो। अब मैं बात करूँ मिथुन सर की, तो उनका देख के तो एक ही चीज, कोई शक अबू जान इज बैक। उनका जो एक अवतार है जो डिस्को डांसर, मतलब जब से लेके अभी तक का एक स्मैशिंग ही है। यहाँ पे भी जो उन्होंने रोल किया, जो एक बुढ़ापे के रोल को पकड़ा है, और जब वो इंक्लूड करते हैं डायलॉग तो धर्मेंद्र सर की याद आती है, जिस तरीके से वो डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सर धर्मेंद्र सर कुछ बोल रहे हैं, ऐसा मतलब फील आता है। सर ने बहुत अच्छी तरीके से वो बुढ़ापे वाला, वैसे वो लगते नहीं है बूढ़े अभी भी, वो 50 के अंदर की है, लेकिन और शक्ति कपूर सर को के हो चुके हैं लेकिन अभी भी 50 के लगते हैं। अरे छोड़ो ना 50 के लगते ना, वो कितने के भी हों दो, हमारे लिए तो हमेशा जिंदा है वो। और रही बात शक्ति सर की, तो जैसा भाई ने बोला कि उनको एकदम
कलकत्ता 120 खिला के जो डायलॉग दिए थे, बोले आ मुन्ना तो ये सब नहीं, उनको अपने ही रोर में रखना चाहिए था आऊ वाले में, तो ज़्यादा मज़ा आता। और बाजू में अनीता मैम थे तो आऊ वाला फील आना चाहिए कि नहीं। और फिर मनोज जोशी सर का स्पेशल अपीयरेंस था, वो भी सेकंड हाफ में, तो ओके था, वो लॉयर की तरह आते और वो अपने ही रंग में डायलॉग बाजी कर रहे, सब कुछ ठीक ठाक था। बस मेरे को एक उसके अंदर गाने भी थे, आधी सांस गाना अच्छा लगा, बहुत कलरफुल गाना था उसके अंदर, और एक तुझ में मैं देखूँ दुनिया सारी वो भी गाना मुझे अच्छा लगा, और एक कवाली थी लास्ट में, वो कवाली एंडिंग होते 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 में बोलते ना कि यार एक सरप्राइज देखने को मिलता है, और पहला सर जो आके करते आधा वर्ज है आपकी बारगाहों में, वो बहुत भारी लगा वो सर। यार मुझे एक और चीज़ बोलना था, हमारे आकिब भाई भी बोल रहे, हाँ देखो हीरोइज्म एक्चुअली मिसिंग था, मुझे लगा कि कुछ कुछ फाइट सीक्वेंस डालते थे कि जैसे हीरो, जैसे इन्होंने बोला था ऐसे लोग मतलब एंटी सोशलिस्ट लोगों से मार खाते, वो सीन आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ पिक्चर का जो ओरिजिनल जो इम्पैक्ट बढ़ती है वो लास्ट के 15-20 मिनट्स में वो देखने लायक है, उसके लिए मैं बोलूँगा पिक्चर अच्छी है। एंड मिथुन चक्रवर्ती सर ने एक्चुअली उठा लिया, एकदम हटके रोल किया, मतलब हीरो से भी ज्यादा एंटरटेन वो करते हैं। ये तो है, रिपोर्ट अच्छी आई है, वन टाइम वॉच का वर्डिक्ट दे रहे हमारे सेकंड इडियट विग्नेश एंड मुंबई का सबसे बड़ा अनाड़ी स्ट्रगलर आकिब भाई। चलिए आप भी जाके एक बार देखिए अनाड़ी इज बैक, और हमको बताना कमेंट्स में कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। थैंक यू, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।